तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं फेस कैम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज काफी छोटी वीडियो होने वाली है। तो आप लोग जैसा कि जानते हो हमारे चैनल पर टेक्स रिलेटेड और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो आज मैं अनबॉक्सिंग लेकर आ चुका हूँ एक पेन की। ये पेन जाना माना है काफी, मैं उसे फ्लेयर का राइटोमीटर बॉल पेन, ठीक है। तो गाइज इसकी कुछ पैकिंग वगैरह में चेंजेस किए गए हैं, तो इसको कुछ मॉडिफाई वगैरह किया गया है। तो देख लेते हैं इसको क्या मॉडिफाई वगैरह किया गया है। बाकी आज मैं इसको इसकी जो है अनबॉक्सिंग आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो सिंपली इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी एक सेलो मैक्सट्रीम के पेन के ऊपर अनबॉक्सिंग की थी, तो आपने उस वीडियो पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में फ्लेयर राइडोमीटर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो आप लोग एक बार कंपेयर करना, पहले कुछ इस तरह की पैकिंग आती थी और अब कुछ इस तरह की पैकिंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऋतिक रोशन की फोटो आती थी और ऐसे लिखा आता था मेरा बचपन का दोस्त, ठीक है। तो उसकी जगह लिखा हुआ आ गया है चूज टू यूज लेस प्लास्टिक, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितना हो सके उतना कम प्लास्टिक यूज करना चाहिए। समझ रहे हो आप तभी हम अपने एनवायरमेंट को सेव कर पाएंगे, ठीक है। इस पेन का मानना ये है कि 10 रेगुलर पेन और एक फ्लेयर का राइटोमीटर पेन, ठीक है। ये देखो 1 फ्लेयर राइटोमीटर पेन, 10 रेगुलर पेन। क्योंकि पेन क्या है, प्लास्टिक के आते हैं, तो हम कितने पेन यूज करते हैं, कितने पेन वेस्ट करते हैं, उनको फेंक देते हैं प्लास्टिक को, ठीक है। इससे अच्छा आप लोग एक ऐसा पेन लाइए जो आराम से, मतलब ड्यूरेबल हो, आराम से चल पाए। तो ये पेन दावा करता है कि ये कम से कम 10,000 मीटर आराम से क्रॉस कर देगा, मतलब 10,000 मीटर तक ये पेन चल सकता है। ये फ्लेयर जो कंपनी है वो दावा करती है। कई लोगों के पास ये पेन बहुत लंबा चला है, तो ये इसका प्रूफ भी हो सकता है, पर एक्यूरेटली 10,000 मीटर्स ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को एक मैसेज दिया गया है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। बाकी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया राइटोमीटर बॉल पेन, यहाँ पे हमारे को फ्लेयर की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेयर राइटोमीटर बॉल पेन, इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्लस का निशान वगैरह, स्विस टिप टेक्नोलॉजी हमारे को यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा इसकी जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़, जैसा कि पिछली बार हमेशा से आता आ रहा है कि ये हमेशा 20 रुपीज़ का ही आता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और कंटेंट फ्लेयर राइटोमीटर बॉल पेन है ये, बाकी काफ़ी ठीक है ये। तो ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे भी 1 फ्लेयर राइटोमीटर पेन एंड 10 रेगुलर पेन, ठीक है। तो सिंपली इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, तो बिना गवाए चलिए शुरू करते हैं। नहीं सो गाइस इसको अनबॉक्स कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे मैं इसको खोलूंगा, जैसा कि मुझे पिछली बार भी दिक्कत आई थी अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो इस बार भी वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। तो सिंपली इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं। सो गाइस एक बार मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमारा पेन हमने बाहर निकाल लिया है, पर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। हमने इस पेन को निकाल तो लिया है, पर यहाँ से देख सकते हैं आप लोग फट चुका ही है, मतलब ये फटा हुआ आया था, तो मैंने इसको जैसे ही निकाला ये और फट गया। तो इसको, इन दोनों बॉक्सेस वगैरह को तो हम करते हैं साइड में, और यहाँ पर हम ले आते हैं अपने पेन को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पेन के ऊपर फ्लेयर राइडोमीटर नॉर्मली लिखा हुआ है, और कुछ हमारा जो ये जो कलर है ये थोड़ा बहुत हल्का कर दिया गया है, जिससे मतलब आपको थोड़ा मतलब डिफरेंस वगैरह नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर आप लोग रियल में जब इस पेन को देखोगे ना, थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। पहले कुछ थोड़ा डार्क टाइप का येलो आता था, अब थोड़ा लाइट टाइप का येलो आने लग गया। बाकी फ्लेयर राइटोमीटर पेन आ जाता है। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं लिखने के लिए। तो ये रहा इसका पेपर, तो इसी के ऊपर लिख देते हैं। बाकी इसको मैं एक बार खोल लेता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको निकालना पड़ेगा कैसे तैसे करके। सो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने इसको निकाल तो लिया है, पर मेरे को बीच बीच में जो है वीडियो रोकनी पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, जैसा कि देख सकते हो बहुत टाइट आता है, तो ऐसा तो कोई चांस नहीं बनता कि आपका ढक्कन निकल के गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करके देखते हैं। हम लिखेंगे, मेरा नाम लिख देता हूँ मैं, आदित्य, ठीक है, ADITYA, ठीक है। कौन है, कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो गाइस राइटिंग तो एकदम बढ़िया है, जैसे कि हमारे फ्लेयर के राइडोमीटर पेन आते हैं, ठीक है। मतलब काफी डार्क वगैरह चलने वाला ही है, काफी सही है, स्मूथ भी है, पकड़ने में काफी कंफर्टेबल लग रहा है मेरे को, तो काफी सही है ये पेन। सो गाइस अगर आपको आज की अनबॉक्सिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
बेल आइकन को दबाना मत भूलना। नहीं।